सम्यक दृष्टि चाहे था तो आत्मा ही को है, लेकिन अभी जिम्मेदारी घर गृहस्थी की बहुत है, तो बार बार आत्मा में रमना होता नहीं। प्रेम आत्मा से ही है, आत्मा से मिलना भी नहीं होता, प्रेम आत्मा ही से है। उन घर गृहस्थी के बीच में पुरुषार्थ की हीनता के कारण रहता है, तो जिम्मेदारी बरसरते वहां लगा रहता है। अंदर से उसे पक्का पता है कि यहाँ कुछ मिलने वाला। अभी उदय की विचित्रता, इसका नाम ही चारित्र मोह। चारित्र मोह माने जो अपने स्वरूप में नहीं रमने दे। क्या कहा मैंने? और एक सरल परिभाषा लिख लो, चारित्र मोह माने जिससे सच्चा प्रेम है उससे न मिलने दे। क्या कहा मैंने? ऐसा समझ लो, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, सारी दुनिया उससे ही नहीं मिलने देती उसे, बस है। बाकी कहते कहीं भी चले जाओ, वो कहेगा उस गली में चले, बस उधर नहीं जा सकते, रोकता है ना। जबकि प्रेम किससे करता है? सच्चा उसी से। बार बार याद किसे करता है? उसी को। लेकिन वो संयोग समाज ऐसा है कि वो ही नहीं मिलने देता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि प्रेम तो अपनी आत्मा से ही करता है, लेकिन उदय इतना तीव्र है पूर्व जन्म का कि वो उस आत्मा में रम नहीं पाता एक सेकंड के लिए भी। और नहीं रम पाता तो क्या करे? उन्हें विषय भोगों में डुबकी लगानी पड़ती है, उन्हें संयोग के बीच में रहना, क्योंकि सुख तो चाहिए। अरे गरीब आदमी को भी नींद तो चाहिए, नींद तो समझते हो ना, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, नींद दोनों को चाहिए कि नहीं चाहिए? कि नहीं, तुम गरीब हो तुम नींद के बिना रह जाओ पागल हो जाएगा। ऐसे ही चाहे मिथ्या दृष्टि हो और चाहे सम्यक दृष्टि हो, सुख तो दोनों को चाहिए। या तो आत्मा से मिल जाए, मैं कई दफे समझा चुका ये प्रकरण, या तो आत्मा से सुख मिले या संयोगों में से। संयोग में सुख मिलता नहीं, लेकिन वो क्षण भर का जो मिलता है वो भी चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई उमंग ही नहीं हुई, कोई आशा ही नहीं हो और आत्मा का आश्रय नहीं, तो क्या करोगे? मुरझा जाओगे। इसलिए बहुत से त्यागी वृत्तियों के चेहरे मुरझा गए, उनके चेहरे पर रौनक नहीं है, दुखी हैं, समाज के सामने अपना दुख रोते रहते हैं। वो मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ मैं, न तुम सम्यक दृष्टि समझो, इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्यों रोते रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्यों चेहरे मुरझाए? क्योंकि आत्मा का आश्रय मिला नहीं और बाहर में सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, तो कैसी हालत हो गई? उदाहरण सबको पता ही है, वो मैं कहना नहीं चाहता।